हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा नमस्कार है। आपको मैंने कल 8.1 का 7 नंबर तक हम बता चुके थे। आज हम त्रिकोणमिति का 8.1 का हम 8 नंबर से शुरू करने वाले हैं। यदि हमारे आज स्टूडियो को आपने नहीं देखा है तो कमेंट्स में जाके आपको जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं 8.1। तो देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। 8 नंबर सवाल में, यदि 3 कोटे बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। यानी कि आपको पहले इसको करना है, उसके बाद देखना, इसको सिद्ध करना है कि क्या इतना बराबर इतना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये लेते हैं क्या दिया हुआ है। 3 कोट ए बराबर 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोट ए बराबर 4 बार 3, क्योंकि ये इंटू में है। जब ये इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इसलिए ये भाग में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉट ए का सूत्र क्या होता है, बी बाय पी। यानी कि हमको बी और पी का मान दिया हुआ है लेकिन एच का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमको निकालना यहाँ पे है एच। तो एच बराबर सूत्र होता है बी का स्क्वायर या पी का स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये सूत्र होता है एस निकालने के लिए। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट है, तो रूट दे दिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 रूट है। 9 16 कितना होता है 25, यानी कि और 25 का कितना होता है वर्गमूल 5, यानी कि एच बराबर कितना निकल गया हमारा 5। यहाँ लिख सकते हैं एच बराबर 5। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या इतना बराबर इतना है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे निकाल के। तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस, इसको हम मान लिया लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम राइट हैंड साइड मान लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे कितना आ रहा है उसका आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसका, 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले इसको इसका आंसर निकालेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर हम इसका आंसर निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका जो आंसर आएगा, फिर दोनों मिला देखेंगे, दोनों का आंसर सेम है, अगर सेम है तो क्या होगा, ये दोनों बराबर है। तो ठीक है, पहले हम इसका देखेंगे क्या है, 1 - 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाय बी स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दिए बटे यहाँ क्या है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि पी बाय बी का स्क्वायर। ठीक है, और इसके यहाँ पे मान रखेंगे, यानी कि 1 - पी का कितना, पी का कितना दिया हुआ है 3 बटे बी का कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए बटे नीचे अलग करना है 1 + पी का मान 3 बी का मान 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 - यहाँ पे क्या है, 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 1, इतना का हमें देखना है। ठीक है, तो 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, इसका हम फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 16, और ये कितना बार में, 16 बार में, यानी कि यहाँ 16 - ये एक बार में, यानी कि 9। अब क्या करना है, बराबर देना है, अब इसको करना है इस वाले को, इसको मैंने कर लिया है, अब इसको करेंगे 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, कितना बार में, 16 बार में प्लस ये एक बार में, तो 9।
अब ये क्या करना है, 16 और 16 ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। बचा क्या, ये और ये, तो 16 भी 9 जाएगा कितना होगा 7, और 16 प्लस 9 कितना होगा 25, ठीक है। हमारा जो LHS आया, हमारा जो LHS आया है कितना आया है, 7 बाय 25, ठीक है। तो अब हम देखेंगे RHS को, ठीक है। तो हम देखें कि हमारा LHS बराबर इतना आया है, अब हम देखेंगे क्या RHS बराबर भी क्या इतना आंसर आता है, यदि आता है तो ये हाँ, उसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ दोनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे RHS, ठीक है। RHS में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos का सूत्र क्या होता है, b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस sin स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, p/h, यानी कि p/h का स्क्वायर। अब इसे जब हम मान रखेंगे तो b कितना है हमारा, b हमारा है 4, और 4 है, और h कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस p कितना है हमारा 3, और h कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। जब ये दोनों हम एलसीएम लेंगे क्या होगा, 25, ठीक है, क्या होगा 25, एक बार में 16 और ये एक बार में 9, 16 में जाएगा तो 7/25, यानी कि ये क्या निकला मेरा, RHS बराबर निकला, यानी कि LHS बराबर 7/25 और RHS बराबर 7/25, यानी क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये क्या है, ये दोनों बराबर है। तो ये सवाल हमारा हो गया, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, सवाल 9th में। तो अब आपको हम बताएंगे सवाल नंबर 9, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ABC हो। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया A, B और C, जिसमें कह रहा है B समकोण है, तो ठीक है, देख रहे हैं B हमारा क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो सबसे पहले हम जब ये दिया हुआ है तो थोड़ा सा दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे कि दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, समकोण है, जहां tan A बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3। tan A का सूत्र क्या होता है, p/b, यानी कि हमारा tan a से जो है p का मान और b का मान क्या है दिया हुआ है tan a से। तो tan a का p क्या है, ये, यानी कि इसका मान कितना दिया है a, और b कितना है √3। इसमें हमको निकालना क्या है, AC यानी कि H। तो हम H निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें होता है p² + b² √। p² p का मान रखेंगे यहाँ पे तो √3 है का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा, सॉरी p का मान कितना है 1 है, तो यह क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है √3 का स्क्वायर क्या है √ क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 × √3 करें तो कितना होगा 3 हो जाएगा, रूट है तो रूट दे दिए, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 रूट, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी कि h बराबर कितना निकल गया हमारा, h बराबर हमारा
का जोन निकल गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले एक नंबर देंगे, ये एक नंबर सोल्यूशन निकालने बोल रहा है तो एक नंबर दिए। अब यहाँ लिखना है साइन ए, यहाँ फर्स्ट हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ये लिख लेंगे, उसके बाद हम ये एक नंबर दे के ये जिसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस सी, अब क्या है प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है साइन सी। तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए का पी वाई एच, ठीक है। जब इस तरह हम यहाँ पी वाई एच नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे त्रिभुज हम बनाए हुए हैं, जब ये एबीसी कह रहा है तो इसमें हमको इसके अनुसार लिखना होगा, क्योंकि इसका सूत्र पी वाई एच होता है। तो ए से पी क्या होगा बी सी, और एच क्या होगा हमारा ए सी इंटू, और कॉस सी क्या होता है बी वाई एच, पर लेना किससे है सी से, इसका बी क्या होगा बी सी, और एच क्या होगा ए सी, एच का मान में यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ प्लस है प्लस दे दिए, और कॉस ए का सूत्र क्या होता है बी वाई एच, तो ए से लेना है जिसका बी ए है, क्या है ए बी, और एच क्या है ए सी इंटू, मतलब इंटू मतलब गुना होता है, और साइन सी, सी का क्या होता है इसका सूत्र पी वाई एच, इसका पी क्या है ए बी, और एच क्या है ए सी। अब इसके बाद हम इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो बी सी कितना दिया हुआ है एक, ए सी कितना दिया हुआ है टू, इंटू का गुना होता है, बी सी कितना है एक और ए सी कितना है टू, यहाँ पे प्लस ए बी कितना है रूट तीन और ए सी कितना है टू गुना ए बी कितना है रूट तीन और ए सी कितना है टू। इसको हम सोल्यूशन करेंगे, क्या होगा एक गुना एक एक, दो गुना दो चार, प्लस है प्लस, रूट तीन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन, और दो गुना दो करेंगे तो कितना हो जाएगा चार, ठीक है। चार चार से पाँच ऐसे होने तो क्या होगा चार हो जाएगा, और एक बार में प्लस ये भी एक बार में, यहाँ पे क्या हो जाएगा तीन एक तीन और एक चार बटे चार, ये कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा इतना बराबर वन। इसका वन नंबर का कितना आंसर आया वन आया। अब हम टू नंबर का देखेंगे, ठीक है। टू नंबर का हम यहाँ पे देख लेते हैं, टू नंबर का हम यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो दो नंबर में ये दिया हुआ है, पर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना माइनस है। यहाँ पर रखना है कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का बी वाई एच, तो इसका बी ए और एच ये की ए बी बटे ए सी इंटू का गुना होता है, कॉस सी का क्या होता है बी वाई एच, इसका बी क्या है बी सी और एच क्या है ए सी, माइनस साइन ए, साइन ए करना है हमको, तो यहाँ पे साइन ए क्या होता है पी वाई एच, तो साइन ए का पी क्या होगा बी सी और एच क्या होगा ए सी इंटू का क्या होगा गुना साइन सी, इसका क्या होगा पी वाई एच, तो पी ए बी हो जाएगा और क्या होगा एच ए सी हो जाएगा। तो अब इसका हम मान रखेंगे, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है रूट तीन, और फिर ए सी का कितना दिया हुआ है टू गुना बी सी कितना दिया हुआ है वन, और ए सी का टू माइनस बी सी कितना दिया हुआ है वन, ए सी का टू गुना ए बी का कितना दिया रूट तीन और ए सी का टू। इसको सोल्यूशन करेंगे क्या होगा, रूट तीन गुना एक तो क्या होगा रूट तीन ही, दो गुना दो चार माइनस एक गुना रूट तीन कितना होगा रूट तीन, दो गुना दो चार। अब यहाँ पे इस दोनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, चार का दोनों का लेंगे एलसीएम क्या होगा चार,
होगा, ये ए बार में तो क्या होगा रूट तीन माइनस रूट तीन, इतना इतना घटेगा क्या होगा जीरो बटे चार, यानी कि जीरो आंसर। ठीक है, ये इतना पैसा निकल गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि आपको त्रिभुज ए बी सी बोला जाए, ठीक है, तब कोई ए बी सी में तो आप पी और बी या एच नहीं यूज कर सकते हैं, आप उसके मान पे यूज करेंगे। जैसे कि ये पी है तो आप इसको पी नहीं बोलिएगा, इसको ए बी रखिएगा। जब त्रिभुज ए बी सी जब कह रहा है तो आपको यहाँ पे पी भी नहीं लेना है, आपको इसका भुजा का नाम लेना है। जैसे कि हमने यहाँ आपको पी और बी बता दिया कि ऐसे नहीं होगा, ए है तो यहाँ हमको लिखना होगा ए, पी और बी होता है सूत्र, इसका पी क्या है बी सी और बी क्या है इसका ए बी। तो आपको इस तरह से यहाँ पर ये लिखना होगा, आपको ये यूज नहीं करना होगा, जब ये बोला गया है तो आपको ये यूज नहीं करना है, आपको इसके जब ये यूज करना है। जैसे मैंने ये यहाँ पे ये बैठाया है तो ये चीज़ यहाँ पे ये नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा ए सी, जैसे ए सी है तो यहाँ पे ए आपको एस के जहाँ पे ए सी लिखना होगा, और पी क्या है इसका ए का, पी आपको ये बी सी है तो आपको यहाँ पे बी सी लिखना होगा, और यहाँ बी क्या है हमारा ए बी तो आपको ए बी लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, अब आपको हम बताएंगे 10 का सवाल। ठीक है, 10 बता रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं, पी क्यू आर। अब इसमें क्या है इसका कोण क्यू समकोण है, तो क्यू क्या है ये समकोण है, और पी क्या बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये इतना है और पी क्यू कितना है 5 है, और निकालने बोल रहा है क्या साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दर्शाएंगे, तो दर्शाने में हम लिखेंगे दिया है, जब आपको त्रिभुज दिया हो जैसे त्रिभुज पी क्यू आर में जब इस तरीका हो तो आपको थोड़ा सा दर्शाना होता है, तो वही हम दर्शा रहे हैं। तो दर्शाना आपको क्या है दिया है त्रिभुज इसमें पी क्यू आर में। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें क्या है क्यू समकोण है, जिसमें क्यू क्या है समकोण है, आप यहाँ पे समकोण भी लिख सकते हैं या फिर आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग वही हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं पी आर बराबर 25, ये प्लस में है तो उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी कि पी आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं पी आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर, और यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5 क्या है दिया हुआ है, अब बच गया क्या यहाँ पे 5 बच गया क्या हमारा क्यू आर, तो क्यू आर हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू आर निकालेंगे हम क्या करेंगे क्यू आर का सूत्र अपनाएंगे, जैसे कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर प्लस क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर। तो इसके बाद हम रखेंगे क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं है, पी आर का मान तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू कितना कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। तो इसमें आप ध्यान देखिए ये क्या है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कौन सा सूत्र बन गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या होता है इसका होता है ए, यहाँ पे होली देते हैं बगल में आपको, इससे कि क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके अलावा सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है इसका ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसी तरह इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए और बी, ये मेरे सूत्र के आधार पर हमने इसको तोड़ लिए। अब यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25
और QR इसका तो QR रहेगा ही, ठीक है। अब इसमें वो आगे बढ़ाना है, जैसे कि QR का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है प्लस QR का स्क्वायर माइनस क्या होगा 25 × 50 QR, इसको मैंने गुना कर दिया, प्लस 25। अब क्या होगा QR ये बराबर है और तो बराबर दूसरा भी क्या है यहाँ पे QR, तो QR क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 625, अब इसमें करना है हमको 625 में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 625 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे गलती कर देती है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि QR क्या है आधार है और आधार पे हम क्या करते हैं कर्ण को इससे लंब से हम घटाते हैं, तो इसको क्या है ये मेरा कर्ण है, कर्ण में क्या करेंगे लंब को घटाएंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस, ठीक है माइनस। तो क्या हो जाएगा 625 में हम क्या करेंगे 25 को घटाएंगे, यानी कि 600 माइनस 50 QR, और फिर क्या हो जाएगा ये माइनस में है, जब ये इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 50 QR हो जाएगा बराबर 600 और QR बराबर कितना हो जाएगा 600/50, ये कितना बार में कटेगा 12 बार में, तो यानी कि QR बराबर कितना निकल गया हमारा 25, तो QR हमारा क्या निकला 12 निकला। जब हमारा QR निकल गया तो यहाँ पे हम 25 माइनस QR लिखे हैं, तो QR का मान यहाँ पे रख के घटा के हम जो आएगा वो कर्ण का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे हम करते हैं यहाँ क्या है यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा अब हमको क्या करना है अब, ठीक है अब ये लिखेंगे PR बराबर कितना दिया हुआ है 25 माइनस QR, तो PR बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस QR का मान हम कितना निकाल रहे हैं अभी 12, यानी कि 25 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा 13, यानी कि अब जो हमारा PR का मान कितना निकला 13, ये अब नहीं रहा, अब इसका मान क्या हो गया 13, ठीक है। तो ये सभी निकल गया, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है अब बोल रहा है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न में निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे साइन पी बराबर, साइन पी बराबर क्या आता है कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, उसका लंब क्या है QR बटे कर्ण क्या है PR, तो QR कितना हो गया 12 और PR कितना हो गया 13। दूसरा क्या बोल रहा है cos P बराबर, तो cos P क्या होता है V/S यानी कि आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या है P बोल रहा है, तो P का आधार क्या होगा PQ और S क्या है PR, यानी कि 5/13। तीसरा क्या है tan P, यानी कि tan P क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसका लंब क्या होगा PQR और आधार PQ, यानी कि QR का मान 12 PQ का 5, तो ये तीन जो निकले ये हमारे क्या हो गए आंसर। तब तो 8.1 के सारे सवाल खत्म हुए, 8.1 के सारे सवाल को हमने समझा दिए हैं। अब जो हम आपको बता रहे हैं 8.1 का उदाहरण, ठीक है, उसमें से हम आपको उदाहरण नंबर 3 बताएंगे, क्योंकि एक नंबर और दो नंबर जो है आपके 8.1 में जो सवाल है उससे रिलेटेड है, जैसे अंक चेंज है तो वो आप भी कर सकते हैं। तो हम 3 बता रहे हैं क्योंकि 3 से कुछ कुछ अलग है, ठीक है, सवाल अलग चेंजिंग है, तो इसलिए हम 3, 4, 5 सबको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में आने की संभावना है इन सभी का, इसीलिए आपको हम ये बता रहे हैं। तो ठीक है, हम बढ़ते सवाल की ओर। तो देखिए इस सवाल में क्या कह रहे हैं, उदाहरण नंबर 3, ठीक है, त्रिभुज ACB में, ठीक है, ये जो आपका चित्र है फिगर जो है इस बार आपके सवाल से दिया हुआ है, सवाल में ये फिगर दिया हुआ है आपका, इसमें हमको बनाना नहीं है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं क्या त्रिभुज ACB में, तो त्रिभुज ACB में
जिसका कौन सी क्या है समकोण है, ठीक है, जिसमें ए बी क्या है 29 इकाई है और बी सी क्या है हमारा 21 इकाई है, इसका कोण ए बी सी क्या है हमारा थीटा है, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करना है इन दोनों के, ठीक है। तो थीटा जो दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पी बी जो भी लेंगे तो इस थीटा से लेंगे, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे थीटा पहले से दे चुका है, तो यहाँ से हमको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी सी का दिया हुआ है मान, यार एच का दिया हुआ है, ए सी का दिया हुआ है, लेकिन ए बी का दिया हुआ है, लेकिन क्या है ए सी का दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ए सी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो दर्शाएंगे, पहले हम दर्शाएंगे कि तो क्या लिखेंगे, दिया है किसमें त्रिभुज ए सी बी में क्या है कौन सी क्या है समकोण, यानी 90 डिग्री, मतलब क्या हो गया समकोण हो गया, समकोण है जिसमें ए बी इतना और ए सी इतना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप क्या क्या है कौन ए बी सी क्या है ए बी सी थीटा है, आप ये लिख सकते हैं। और हमको क्या करना है ए सी को निकालना है, तो ए सी को निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है क्या होता है ए सी ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ये पी है ये एच है ये बी है और एच सबसे बड़ा होता है, तो एच में हम छोटी भुजा घटाएंगे तो ये भुजा निकल जाएगा, तो क्या होगा हमारा ए सी बराबर क्या होगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा क्या होगा रूट में हो गया। अब ए के बी का हम मान रखेंगे तो ए बी का मान कितना है मेरा 29 का स्क्वायर माइनस बी सी का कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441 नहीं गुना कर देते हैं, 29 का स्क्वायर कितना होगा 981 9 × 2 = 18 कितना हो जाएगा 26 2 × 18 हाँ तो 1, 2, 4, 1, 5 यानी कि 1, 4 और ये कितना हो जाएगा 8 यानी कि 841 इसका स्क्वायर कितना होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। इसमें हम क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 441 में 841 में 441 को जब हम घटाएंगे तो क्या बच जाएगा सिर्फ 400 बच जाएगा, और जबकि 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 होता है, तो हमारा ए सी कितना निकल गया ए सी जो है हमारा 20 इकाई निकल गया, ठीक है। तो ये तीनों निकल गया है हमारा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक नंबर, तो यहाँ हम थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्न से, यानी कि ये प्रश्न से निकाले कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से एक नंबर, एक नंबर में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है इसका बी बाय एच, यानी कि थीटा से बोल रहा है इससे, यहाँ क्या लिखा हुआ है थीटा, यहाँ ए भी नहीं लिखा हुआ जो आप इससे लीजिएगा, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ ऐसे लीजिएगा, ठीक है यहाँ पे थीटा, तो क्या हो रहा है कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर सूत्र क्या होता है बी बाय एच, तो यहाँ से हमको लेना है, यहाँ से लेना है, इसका बी क्या होगा बी सी और एच क्या होगा ए बी प्लस सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा से लेना है तो स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है पी बाय एच, यानी कि सॉरी पी लिखना है तो इसका पी क्या होगा ए सी और एच क्या होगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। इसके मान रखेंगे हम तो क्या होगा 21 का स्क्वायर सॉरी 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और इतना का स्क्वायर कितना होता है 841 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 400 और ये 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, इतना तो हम एलसीएम लेंगे कितना होगा 841
ये एक बार में तो ये उतर जाएगा, प्लस ये भी एक बार में तो ये उतर जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 441 प्लस इतना जोड़ना है ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 841 बटे 841। ये एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका एक नंबर कैंसिल, इसका क्या निकला 1, इतना बराबर 1। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए कह रहा है क्या, कोस स्क्वायर थीटा मैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस था इस बार क्या है माइनस है, ठीक है। तो इसका हम मान रखेंगे कोस थीटा, थीटा से लेना है, क्या होगा बी बाय एच, इसका बी बी सी और एच क्या होगा ए बी माइनस, इसका क्या होता है पी बाय एच, इसका पी ए सी और एच क्या है ए बी, बी सी का मान 21, ए बी का 29 माइनस ए सी का कितना है 20 और ए बी का 29, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर देना है, ठीक है, ये स्क्वायर देना है आपको, यहाँ पे स्क्वायर था, तो 29 का स्क्वायर कितना होगा 441 और 29 का 441 माइनस 20 का कितना होगा 400 और 29 का 841। इतना तो एलसीएम ले कितना हो जाएगा 841, एक बार में 441 माइनस 400, इसमें जोड़ना था और इसमें क्या है घटाना है, तो क्या हो जाएगा 441 में 400 घटेगा तो 41 बटे 841, यह आंसर हो गया, ये आंसर दूसरा नंबर का, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या हो गया निकल गया, तो ये उदाहरण नंबर 3 आपका बन गया। उदाहरण नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, उदाहरण नंबर 4 हम पढ़ेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 में जो कह रहा है वो देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, इसमें एबीसी हमको लेना है, तो एबीसी हमने लिया, इसका कोण बी क्या है समकोण है, ये बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर तो एक, तो सत्यापित कीजिए कि टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे दर्शाने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ दर्शाएंगे हम, दिया है क्या त्रिभुज एबीसी में और कोण बी क्या है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री, समकोण लिख सकते हैं आप या 90 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या बोला गया है tan a बराबर कितना दिया हुआ है 1, ठीक है, ये tan a बराबर 1 दिया हुआ है, जब 1 जब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, अपने मन से दे सकते हैं, क्या कि यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 हो सकता है, तो tan a का सूत्र क्या होता है पी वाई बी, ठीक है, tan a का सूत्र क्या होता है tan a से लिखना है a का पी वाई बी होता है, तो पी क्या है बी सी और बी क्या है हमारा ए बी, एंड tan a सूत्र क्या हो गया पी वाई बी और पी बी सी का एक मान दिया हुआ है और ए बी का मान क्या हो गया एक हो गया, यानी कि इसका मान क्या हो गया एक हो गया, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है ए सी, तो हम ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए सी बराबर क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये रूट, ठीक है। ए बी का कितना दिया हुआ है एक, यानी कि एक का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया हुआ है एक, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करें तो एक ही होगा प्लस एक का स्क्वायर करें तो एक ही होगा रूट, एक प्लस एक कितना हो जाएगा 2, रूट 2 हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन होगा यानी कि ए सी बराबर कितना निकल गया हमारा रूट 2, ये हमारा निकल गया रूट 2, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे प्रश्न से
प्रश्न से क्या कह रहा है यहाँ पे, टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर वन होता है या नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल एच एस ले लेंगे, इसको हम निकालेंगे, क्या इसको इसका जो आंसर आता है कि इसके बराबर है या फिर इसके बराबर हो जाता है, या एल एच एस हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू इंटू साइन ए का सूत्र क्या होता है, पी वाई एच ए से, तो ए का पी क्या है बी सी और एच क्या है ए सी, इंटू और कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है बी वाई एच, ए से बी सभी क्या होगा ये ए बी और एच ए सी, तो क्या होगा टू इंटू बी सी का मान कितना है ए, ए सी का रूट टू इंटू मतलब गुना होता है, ये भी गुना होता है, और ए बी का मान कितना है वन और ए सी का रूट टू, दो से गुना करेंगे तो क्या होगा दो गुना एक, एक गुना एक कितना हो जाएगा दो ही हो जाएगा, और रूट टू गुना रूट टू करेंगे तो कितना होगा टू हो जाएगा, दो और दो क्या हो गया खत्म हो गया, बराबर कितना आ गया एक, यानी कि ये क्या हो गया ये और ये क्या है बराबर, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है प्रूव हो गया, हो गया। अब आपको हम सवाल नंबर सॉरी उदाहरण नंबर पाँच बताने वाले हैं, आपको तीन और चार बता दिए एम सी जी, जो हम अभी जो आपको सवाल बता रहे हैं पाँच नंबर का सवाल, ये सवाल आपके एट पॉइंट वन के सवाल से मैच खाता है, सेम उसी तरह है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ये बस क्या हुआ है कि यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर वन है, तो उस जगह पे था पी आर प्लस ओ क्यू बराबर पच्चीस था, यहाँ पे उसमें प्लस था यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हम सोच रहे हैं कि ये आपको बता ही देते हैं, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं इस सवाल में, तो उदाहरण नंबर पाँच में कह रहा है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में, सबसे पहले हम त्रिभुज ओ पी क्यू बना देते हैं, ठीक है, ओ पी क्यू में, ठीक है, जिसका कोण पी समकोण है, ठीक है पी समकोण है, अब ओ पी कितना दिया हुआ है सात सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओ क्यू इतना दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, सबसे पहले हम थोड़ा दर्शा रहते हैं, ये सोल्यूशन लिखे हुए हैं यहाँ पे लिखेंगे, दिया है जो जो दिया हुआ है उसको उतार लेंगे, सवाल में क्या दिया हुआ है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी क्या है समकोण है, उसके बाद क्या दिया हुआ है ओ पी तो वहाँ दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको उतारेंगे हम, तो क्या उतारेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर ए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर वन, यहाँ पर क्या करेंगे हम ओ क्यू और बराबर ये माइनस में जब वो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा वन, और ये क्या हो जाएगा माइनस पी क्यू इस पर में ये है तो उस पर क्या हुआ प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस पी क्यू हो जाएगा, यानी कि हमारा ओ क्यू का मान जो है क्या हो गया वन प्लस पी क्यू हो गया, यानी कि ओ क्यू का मान हमारा ये निकल गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ओ पी का मान हो गया, ओ क्यू का मान हो गया लेकिन पी क्यू का मान नहीं हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना है पी क्यू का मान निकालना है, तो पी क्यू का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पी क्यू बराबर क्या होता है इस भुजा को निकालने के लिए क्या होता है इस भुजा में, इस भुजा को हम घटाना घटाते हैं, तो क्या करेंगे ओ क्यू सॉरी यहाँ पे लिखेंगे पहले ओ क्यू का स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे स्क्वायर देंगे या पी क्यू का स्क्वायर करेंगे, इसमें रूट में नहीं लाना है इसको हमको, ठीक है। तो क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू का मान तो नहीं दिया हुआ है इसको यहीं पे लिखेंगे हम, ओ क्यू का मान कितना दिया हुआ है ओ क्यू का मान क्या दिया हुआ है हमारा वन प्लस पी क्यू, क्या दिया हुआ है वन प्लस पी क्यू, ठीक है स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे हम, माइनस ओ पी का मान कितना दिया हुआ है सात का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे
पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, यहाँ पे गौर कीजिए, 1 + PQ का होल स्क्वायर, यानी कि इसको इसको वैसे कर सकते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसके अनुसार हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो कैसे होगा, ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। अब माइनस ये क्या है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको इंटू करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 2 × 1, तो क्या होगा 2 PQ हो जाएगा माइनस 49, ठीक है, पी क्यू बराबर यहाँ भी पी क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी क्यू और ये पी क्यू क्या हो गया, कट गया। अब हम करेंगे क्या, 2PQ ये वाला, ये क्या करेंगे, ये दोनों चेंज मतलब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे दोनों को, तो माइनस 49 में एक को अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 48 बचेगा, इसे हमको बता देते करके, 1 माइनस इतना करेंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस 48 बचेगा, बचेगा तो वही हम कर दिए, मैं यहाँ पर माइनस 48, ठीक है। अब देखिए 2PQ बराबर ये माइनस में है, जब ये उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि PQ बराबर 48/2, ये बटे में आ जाएगा, ये इंटू में है, इधर आएगा क्या होगा, बटे में जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या होगा, ये 2 बार में और ये 4 बार में, यानी कि PQ बराबर क्या हो गया हमारा, 24 सेंटीमीटर, यानी कि PQ हमारा क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। जब हमारा PQ निकल गया तो यहाँ पे हम PQ का मान रख के इसका मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब, ये हम यहाँ पे अब लिखेंगे, और अब करेंगे क्या, OQ बराबर हमको 1 + PQ यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि अब हम PQ का मान निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, OQ बराबर 1 + कितना निकाले हैं, 24, यानी कि OQ बराबर 25, यानी कि ये जो हमारा क्या हो गया, 25 हो गया, यहाँ पे 24 यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे 24 और 24 और ये क्या हो गया, 25, यानी कि हमारा OQ कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, अब यहाँ आगे क्या कह रहा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, हम PBS सब निकाल चुके हैं, तो हम इसका आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से यहाँ पे हम प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ प्रश्न से लिखेंगे। अब तो क्या बोल रहा है, साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, ये साइन क्या है, साइन क्यू है, थीटा नहीं है, साइन क्यू है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि क्यू इससे, तो साइन क्यू बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, PH, यानी कि यहाँ का पी क्या होगा, OP और H क्या होगा, OQ, यानी कि OP कितना है, 7 और OQ कितना है, 25। और दूसरा क्या निकालना बोल रहा है, cos क्यू, ये क्यू है, इसको हम थीटा नहीं बोलेंगे, ये क्यू बोलेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्यू, ठीक है, तो ये क्या है, cos क्यू, तो cos क्यू बराबर क्या हो जाएगा, PH, यानी कि इसका B क्या होगा, ये यानी कि PQ और H OQ लगा, यानी कि 24/25, ये दो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने 8.1 के सारे सवाल को हम बता दिए हैं, उदाहरण सहित आपको हम बता दिए, 8.1 में उदाहरण सिर्फ 5 नंबर तक ही था,
तो ये वीडियो हमारा ख़त्म हुआ। कल की वीडियो आपको हम 8.2 बताएंगे।